अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 7, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन। टुडे योर डायरी इज लर्न क्वेश्चन नंबर 2+3। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपने नोट्स में से याद करना है। पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन, पार्टिकल का मतलब है एटम। यहाँ पर पार्टिकल से मुराद है एटम्स। हम एटम्स को डिस्कस करने लगे हैं, इसलिए यहाँ पार्टिकल का मतलब है एटम। मॉडल का मतलब है एग्जाम्पल, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं और उसको स्टडी करते हुए हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को, किसी बड़ी चीज को डिस्कस करते हैं, तो वो चीज कहलाती है मॉडल। हम यहाँ पर सॉल्यूशन का पार्टिकल मॉडल डिस्कस करेंगे। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, मैटर से। आप लोग फिफ्थ के लेवल पे भी पढ़ते होंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। हम ये छोटे लेवल से स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। यानी कोई भी ऐसी चीज जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, यानी कि कोई जगह घेरती है और उसका कोई मास होता है, वो मैटर कहलाती है। नेक्स्ट फर्दर हम कहते हैं कि मैटर की थ्री स्टेट्स होती हैं। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तीन स्टेट में ये एग्जिस्ट कर सकता है और हर स्टेट में अगर हम पढ़ें या अगर हम सोचें तो हर स्टेट के अंदर बेसिकली एटम्स ही इन्वॉल्व होते हैं। सॉलिड के केस में भी हम यही पढ़ते हैं कि वो एटम से मिलकर बने हैं। लिक्विड के केस में भी हम यही डिस्कस करते हैं, लिक्विड के केस में भी एटम्स मौजूद होते हैं। और फर्दर गैसियस स्टेट में भी हम यही स्टडी करते हैं कि एटम्स मौजूद होते हैं। तो बेसिकली पार्टिकल की जो टर्म यूज की गई है वो एटम्स के से रिलेट कर रही है कि अगर हम किसी भी मैटर को डिस्कस करते हैं, उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं, तो बेसिकली उसके अंदर मौजूद जो एटम्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। पार्टिकल्स मीन्स एटम। पार्टिकल्स का मतलब है एटम्स। पार्टिकल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। उनकी मूवमेंट वाइब्रेटरी भी हो सकती है, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन का मतलब है कि वो बिल्कुल थोड़ा सा अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे सिर्फ मूव करेंगे, आगे पीछे बस अपनी ही मेन पोजीशन के, यानी कि जो उनकी पोजीशन है उससे थोड़ा सा आगे पीछे बस मूव करेंगे। वो अपनी पोजीशन को लीव नहीं कर सकते, उसको छोड़कर किसी और जगह पर मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, फ्रीली मूवमेंट भी शो कर सकते हैं पार्टिकल्स इन केस ऑफ लिक्विड, और रेंडमली मूव भी कर सकते हैं, जैसे कि गैस के केस में हम देखते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं डिटेल से। नेक्स्ट, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन एटम्स। एटम्स के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी कि एटम्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर 5 to 10 एटम्स मौजूद हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जितना भी नंबर हो एटम्स का, वो जब एक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में, किसी भी स्टेट में वो एटम्स मौजूद हैं, तो वो आपस में अट्रैक्शन लाजमी शो करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड। इन केस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जो सॉलिड के केस में पार्टिकल्स हैं यानी एटम्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं। पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रीली, फ्रीली मूव नहीं कर सकते, सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं। अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द थोड़ा सा मूव करेंगे, अपनी पोजीशन को कभी भी लीव नहीं करेंगे, यानी अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे। जिस जगह पर वो फिक्स्ड हैं वो उसी जगह पर रहेंगे और थोड़ी सी वाइब्रेशन शो करेंगे। देयर एग्जिस्ट लिटिल स्पेसेस अमंग द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के दरमियान में बहुत कम स्पेस होती है, बहुत थोड़ी सी स्पेस होती है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इनके दरमियान में जो स्पेस है वो बहुत कम है। इन केस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, सो दे हैव फिक्स्ड शेप। सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए सॉलिड की शेप भी फिक्स्ड होती है। जैसे अगर आपके पास कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, फॉर एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, ग्लास, जग, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, तो उनकी शेप हमेशा फिक्स्ड होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने किसी एक चीज में रखा है तो उसकी शेप चेंज हो जाए, किसी दूसरे सब्सटेंस में उसे ऐड किया तो उसकी शेप चेंज हो जाए। आप अपने बैग में पेन को रख दो, आप ज्योमेट्री बॉक्स में रख दो, आप चेयर पे रख दो, टेबल पे रख दो, किसी भी जगह पे रख दो, उसकी शेप हमेशा फिक्स रहेगी। नेक्स्ट, फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब ये है कि पार्टिकल्स जो हैं वो
अपनी पोजीशन को क्योंकि लीव नहीं करते, वो सॉलिड सब्सटेंस को लीव नहीं करते, इसलिए सॉलिड सब्सटेंसेस का एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है, यानी कि वो एक खास जगह को घेरेंगे। अगर पेन है, अगर आपको उसको किसी भी जगह पे रखते हो तो वो एक स्पेसिफिक एरिया को ऑक्यूपाई लाजमी करेगा, चाहे आप उसको बैग में रखो, आप चेयर पे रखो, टेबल पे रखो, वो एक स्पेसिफिक एरिया को लाजमी ऑक्यूपाई करेगा। इसका मतलब है कि सॉलिड सब्सटेंसेस का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट वन लिक्विड। इन केस ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स आर वेरी लेस क्लोज टू ईच अदर, पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, उनके दरमियान में स्पेसेस ज्यादा हो जाती हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। आप जैसे इस डायग्राम में देख सकते हो ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, लेकिन ये लिक्विड को लीव नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते करते लिक्विड को छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। पार्टिकल्स का जो नंबर है वो उतना ही रहेगा, लेकिन वो सिर्फ मूव करेंगे फ्रीली। लिक्विड के केस में हम जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अगर आप एक ग्लास पानी का लेते हो, आप उसको जग में डाल दो तो तब भी वो उतना ही रहेगा, एक ग्लास ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ग्लास पानी लिया आपने, उसको जग में डाला तो वो जग के जितना हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इनकी शेप फिक्स्ड नहीं होती। अगर आप पानी को ग्लास में डालते हो तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर आप उसको जग में डालते हो तो वो जग की शेप ले लेगा, कैन में डालते हो उसकी शेप ले लेगा, बॉटल में डालते हो उसकी शेप ले लेगा। यानी जिस सब्सटेंस में आप लिक्विड को ऐड करते हो वो उस सब्सटेंस की शेप ले लेता है, अपनी शेप को चेंज कर देता है। जहां पर उसको स्पेस मिलती है, जहां पर उसको जगह मिलती है, वो उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। नेक्स्ट वन गैस। इन केस ऑफ गैस लार्ज स्पेसेस आर प्रेजेंट अमंग द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो आपको बहुत कम पार्टिकल्स नजर आ रही हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेस बहुत ज्यादा है, उनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होते हैं और ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। जितनी भी उनके पास जगह अवेलेबल होती है उसमें ये फ्रीली मूव करते हैं। फ्रीली से ज्यादा अच्छी टर्म आप यूज कर सकते हो रैंडमली मूव करना, यानी उनकी मोशन जो है वो रैंडम होगी विदाउट एनी डायरेक्शन, किसी एक खास डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर लेंगे। इनकी ना तो फिक्स्ड शेप होती है और ना ही इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ऐसा नहीं होता कि गैस जो है अगर आप उसको किसी चीज में डालोगे तो वो जितनी जो है वो, फॉर एग्जाम्पल ग्लास के अंदर आपने गैस को डाला है और उसको ऊपर से बंद कर दिया, तो जितने ग्लास में उसने जगह ली हुई थी अगर आप उसको जग में ऐड करते हो और उसको ऊपर से बंद कर देते हो तो उतनी ही वो उसमें ले, ऐसा नहीं होता। जिस चीज में आप डालते हो वो उतने उस तमाम के तमाम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है, ना तो इसकी कोई शेप होती है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल ये है एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसके अंदर कितनी सारी गैसेस मौजूद हैं, लेकिन तमाम के तमाम गैसेस जो हैं उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है उनकी, ना उनका फिक्स्ड वॉल्यूम है। ऐसा नहीं है आप कह सकते कि नॉर्थ साइड पर जो है वो ऑक्सीजन ज्यादा है, वेस्ट साइड पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, नॉर्थ साइड पे नियॉन गैस ज्यादा है, एक साइड पे हीलियम ज्यादा है। आप किस कोई उसकी फिक्स शेप नहीं बताते, उसकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते कि कितनी जगह को ऑक्सीजन गैस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। बल्कि ऑक्सीजन के एटम्स जो होंगे वो फ्रीली मूव कर रहे होंगे, वो आपके पास जितनी भी एयर मौजूद है उस सब में होंगे मौजूद। नाउ ओपन योर बुक्स, पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन, पेज नंबर 68 पे टॉपिक है। वी नो डेट मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स शो स्पेशल बिहेवियर। हम जानते हैं कि कोई भी जो मैटर है, मैटर का मतलब है मादा, वो टाइनी पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। टाइनी का मतलब होता है छोटे छोटे, छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। दीज पार्टिकल्स शो स्पेशल बिहेवियर, ये पार्टिकल्स एक बहुत स्पेशल बिहेवियर शो करते हैं। अ पार्टिकल मॉडल एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल मॉडल एक्सप्लेन करेगा बेसिकली इन पार्टिकल्स के बिहेवियर को, कि किस तरह से ये मैटर के में बिहेव करते हैं, सॉलिड के केस में, लिक्विड के केस में, गैस के केस में, किस तरह से ये एटम्स बिहेव करते हैं। फर्स्ट वन, द मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। कोई भी जो मादा है वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनता है और ये टाइनी पार्टिकल्स बेसिकली एटम कहलाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, मैटर के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। देर आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है।
देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेस भी हो सकती है, जैसे सॉलिड के केस में भी हमने पढ़ा कि थोड़ी बहुत स्पेस लाजमी होती है, यानी कि लिटल स्पेस मौजूद होगी, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, लिटल स्पेस है, जो वाइट पोर्शन है वो शो कर रहा है स्पेस को, लेकिन जैसे ही हम लिक्विड के केस में मूव करते हैं तो स्पेस ज्यादा होगी और फर्दर गैशियस स्टेट में और भी ज्यादा हो जाएगी। ऑन हीटिंग द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर, जब हम हीट करते हैं पार्टिकल्स को तो उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वी कैन एक्सप्लेन स्टेट्स ऑफ मैटर इन द लाइट ऑफ पार्टिकल मॉडल, यानी पार्टिकल मॉडल को यूज करते हुए हम इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन, सॉलिड। पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली, हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली का मतलब है टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। देयर आर वेरी लिटल स्पेसेस अमंग देम, इनके दरमियान में जो स्पेस है वो बहुत कम होती है। पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रीली, फ्रीली मूव नहीं कर सकते। दे ओनली वाइब्रेट इन देयर फिक्स्ड पोजिशन, अपनी फिक्स्ड पोजिशन के इर्द गिर्द सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। डेट्स वाई सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इसीलिए सॉलिड सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी शेप भी फिक्स्ड होती है और उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। सेकेंड वन, लिक्विड। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर वेरी लेस क्लोज टू ईच अदर देन अ सॉलिड, लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, एक दूसरे के बहुत करीब नहीं होते, बल्कि इनके दरमियान में स्पेसेस मौजूद होती हैं। स्पेसेस अमंग द पार्टिकल्स आर ग्रेटर देन सॉलिड, और ये स्पेस सॉलिड सब्सटेंस से ज्यादा होती है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, सॉलिड पार्टिकल्स के दरमियान में जो स्पेस है वो बहुत कम है, लेकिन लिक्विड के केस में ये स्पेस ज्यादा है। पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड कोलाइड ईच अदर, कोलाइड का मतलब है टकराना, फ्रीली मूव करते हैं और एक दूसरे के साथ टकराते हैं। बट पार्टिकल्स डू नॉट लीव द लिक्विड, लीव का मतलब है छोड़ देना है, लेकिन लिक्विड को लीव नहीं करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। डेट्स वाई अ लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप, इसलिए लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, यानी कि जितनी उन्होंने जगह लेनी है वो हर सब्सटेंस जो है आप कहीं भी ऐड कर दो, वाटर को जग में ऐड कर दो, ग्लास में ऐड कर दो, वह उतना वॉल्यूम लाजमी लेगा, ऐसा नहीं होगा कि उसका वॉल्यूम कम हो जाए। बट नो फिक्स शेप, लेकिन शेप फिक्स नहीं होती, जिस चीज में डालोगे उसकी शेप ले लेगा। नेक्स्ट वन, गैस। देर आर लार्ज स्पेसेस अमंग द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस, गैस के पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं। पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन द स्पेस दे हैव, पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं उस तमाम स्पेस में जो उनको अवेलेबल होती है, उस तमाम जगह में जो उनको अवेलेबल होती है उसमें फ्रीली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स में लीव द गैस, गैस को लीव भी कर सकते हैं इफ इट इज नॉट इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, यानी कि अगर हम किसी कंटेनर में डालकर उसको ऊपर से बंद नहीं करते हैं तो गैस के पार्टिकल्स उसको लीव कर देंगे। जैसे कहीं से भी लीकेज हो जाता है, अगर आपका जो गैस पाइपलाइन है उसमें कहीं कोई खराबी आ गई है, वॉल जो है सही ऑपरेट नहीं कर रहा, कहीं जो पाइप होता है, फॉर एग्जांपल आपने हीटर वगैरह लगाया हुआ है, पाइप जो है वो कहीं से कट गया है, तो वहां से गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जैसे चूल्हा है, अगर आपने उसको चलता हुआ छोड़ दिया, जो आग है वो बुझ गई है, लेकिन उसकी गैस वहां से कॉन्टिन्यूसली रिलीज होती रहेगी, वो पार्टिकल्स जो हैं वो लीव करते जाएंगे और आपके जो पूरी एयर होगी जो सराउंडिंग्स में उस सब में वो फैल जाएंगे, इस तरह से तमाम जितनी भी जगह उनको अवेलेबल होगी उस सब में वो चले जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि पार्टिकल्स जो गैस के होते हैं वो लीव कर देते हैं उसको सब्सटेंस को जिसमें वो पड़े हुए होते हैं, जिसके अंदर हम ऐड करते हैं, अगर हम उसको टाइटली पैक्ड नहीं करते, अगर हम उसको इनक्लोज नहीं करते, अगर हम उसको बंद नहीं करते कंटेनर को, तो वो उसको लीव कर जाते हैं। डेट्स वाई अ गैस हैज नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इसीलिए गैस के पार्टिकल्स का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही उनकी शेप फिक्स होती है। नाउ ओपन योर नोट्स, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, आपने ये दोनों क्वेश्चंस याद करने हैं, ये कल हम डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 2 को, इसको आपने दोबारा से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम डिस्कस कर चुके हैं सेकंड लेक्चर में कि सॉलिड और लिक्विड जब सब्सटेंसेस ऐड होंगे तो उसके रिजल्ट में जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, ये 5 टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड स्टेट ऑफ सॉल्वेंट।
आज आपकी डायरी है लर्न क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री आपने याद भी करना है और इसे लिखना भी है लूज शीट पे। अल्लाह हाफिज़।